वेंडम यार कितनी देर हो गई है, मेरी चाय किधर है? आई जनाब। वेंडम पहले चाय इधर आएगी। क्यों भाई, पहले उधर क्यों? क्योंकि मेरा नाम नियाजी है। तो उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, मेरा नाम अली आरिफ है। वेंडम पहले चाय इधर। नहीं वेंडम पहले चाय इधर आएगी। पहले इधर, पहले इधर। ये चाय आ गई है, जिसकी हिम्मत है वो चाय इधर से आके भेजे। आप तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है। आप भी चाय पिए और आप भी पिए। बच गया बच्चे, तुम भी। आपने चार गुंडों को अकेले मारा और आप ये भी चाह रहे हैं कि हम आपकी बात पर यकीन कर लें। सॉरी मैं नहीं मानती। ना मानो मगर यह हकीकत है। कॉलेज में मैं जरा प्यार प्यार से रहता हूँ, लेकिन बाहर के किसी आदमी से अगर झगड़ा हो जाए तो जब तक सामने वाला माफी ना मांगे मैं उसे मारता रहता हूँ, मारता रहता हूँ, मारता रहता हूँ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ हाँ एक एक लफ्ज पे यकीन आ रहा है। चलो ठीक है, किसी दिन मैं तुम्हारे सामने किसी को मारूंगा, अगर मेरी बात सच्ची साबित हुई तो तुम तीनों मुझसे शादी करोगी। प्लीज। आज कॉलेज बड़ा खाली खाली लग रहा है यार। हाँ यार आज आखिरी दिन है, दो महीने की छुट्टियाँ, इस वजह से लोग नजर नहीं आ रहे। हाथ में खुजली हो रही तो मरहम ला दूँ? और मरहम के बच्चे खुजली का मतलब है किसी को मरने को दिल चाह रहा है। अच्छा कोई मुर्गा तो घेरना है यार। वैसे भी आगे दो महीने की छुट्टियाँ हो रही हैं और कोई नहीं मिलेगा मारने के लिए। चलो ढूंढते हैं। चलो चलो, चलो। और जब तारिक पहली बार गांव से आया था तो ट्यूबलाइट को फूके मार मार के बुझाया करता था। और तू भी तो हैदराबाद से आया था, तू अपनी क्यों नहीं सुनाता? हैदराबाद से आया था लेकिन ट्यूबलाइट को फूके मार के नहीं बुझाता था, ना ही सलवार कमीज पे ट्यूबलाइट वाले जॉगर्स पहन के आया करता था। अरे अरे तारिक मेरी जान, नाराज तो नहीं हो गया? नहीं नहीं यार, मैं तुम्हारी तरह छोटे दिल का मालिक नहीं हूँ कि हर छोटी बात पे बुरा मान जाऊं। और तारिक तेरा कजन मोहम्मद अली आ गया। किधर है, किधर है? वो देख कैसे डरता है अपने कजन से। भाई छोड़ भी दो तुम तारिक की जान, तारिक तुम यहाँ के बैठ जाओ। हाँ भाई तुम्हारे पास यहाँ आ जाओ। नहीं यार मैं इधर ही ठीक हूँ। हाँ फैसल खबरदार तुमने तारिक को कुछ कहा तो। तारिक यहाँ आ जाओ अपनी बाजियों के पास, वो तुम्हारी हिफाजत करेंगी। तारिक एंजल्स। मतलब है तुम्हारा, तुम्हारे ख्याल में लड़कियां नहीं किसी की हिफाजत कर सकती? नहीं वो तो अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर सकती, किसी की क्या हिफाजत करेंगी? Now this is personal. हाँ भाई तो तुम खुद क्या करते हो सवाए अपनी बड़ाइयां मारने के? कल मैंने इतने लड़कों को मारा, परसों मैंने इतने लड़कों को मारा। हाँ हमने तो नहीं देखा, बस तुमसे सुनते आ रहे। अरे ये छोड़ता है लंबी लंबी, ये भला किसी को क्या मारेगा? देखो मुझे चैलेंज मत करो, अगर मैंने तुम लोगों को अपना फाइटर्स वाला रूप दिखा दिया ना तो 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 तो
तो तुम लोगों में से कोई भी लड़की ना इसके साथ कभी बात नहीं करेगी। ठीक है, मत करो यकीन। मुझे कौन सा तारिक अबड़ो की तरह तुम लड़कियों को इम्प्रेस करना है जो मैं प्रूफ देता फिरूं। तू फिर मेरा नाम बीच में लाया। अच्छा तारिक, मजाक एक तरफ, अच्छा सा शेर सुना। नहीं सुनाऊंगा। सुना दे भाई। नहीं सुनाऊंगा ना। सुना दे यार। अच्छा मत सुना, बस के पीछे से खुद ही पढ़ लेंगे। ये कौन लड़का है जो लड़कियों के साथ हंस खेल रहा है? तुम इसको नहीं जानते? ये फैसल है। क्या मतलब तुम इसको नहीं जानते? क्या ये इतनी बड़ी शेप है कि मेरे लिए इसे जानना जरूरी है? इतनी बड़ी शेप तो नहीं, मगर लड़कियों में बड़ा इन है और हर वक्त अली आरिफ के साथ होता है। मुझे इसका लड़कियों के साथ यूं घुल मिल के बैठना कुछ पसंद नहीं। तुम्हें क्यों नहीं पसंद? इसलिए कि वो बैठा है तीन खूबसूरत लड़कियों में और मैं तो बदसूरत लड़का। मगर अगर गौर से देखो तो एक बदसूरत लड़का अबड़ो भी उनके साथ बैठा हुआ है। कम से कम दो तो नहीं है ना यार? और फिर उसके चेहरे पर खुशी और सुकून देख, उसे दुनिया की हर खुशी मिली हुई है। और तेरे चेहरे पर कर्ब और तकलीफ जैसे तेरे जिंदगी की 1/4 खुशियाँ भी नहीं मिली। हाँ बिल्कुल सही। मगर अब तो क्या चाहता है? उसकी पिटाई लड़कियों के सामने। वो पिटाई मगर किस बात पर? नियाजी के लिए किसी को मारने के लिए बहाना ढूंढना कोई मसला नहीं है। हाँ चलो चलो यार। कहाँ? न्यासी आ रहे? लगता तो यही है। तुम लोगों में किसी की दोस्ती तो नहीं है इनसे? इसकी मुझे सख्त ना पसंद है न्यासी। उसके दोनों दोस्त मुझे भी कॉलेज में शायद ही किसी को पसंद हो। देर बदमाशी बंदी, कॉलेज में सारी होंडा करी तो इन लोगों ने मचाई दी है। अगर तुमने किसी को मारना है ना तो इनको मारो। कोई मसला ही नहीं है, लेकिन कोई बहाना नहीं है। किस बात पे मारूं? हाँ यार कोई बहाना बनाओ, मारो इनको। हाँ भाई फिर तुम हमारे ही नहीं पूरे कॉलेज की लड़कियों के हीरो बन जाओगे। तो इसको तो मारना मेरा काम है, लेकिन वो तो इधर ही आ रहा है। से फैसल कौन है? यही तो है, अभी तूने ही तो बताया था। क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम हो फैसल? जी बोले। तुमने मेरे बारे में क्या खबरें फैलाई हैं? क्या मैं कोई बदमाश हूँ, गुंडा हूँ? नहीं मैंने तो कोई ऐसी बातें नहीं फैलाई। तुमने कुछ ऐसी बातें की हैं जिनसे लड़कियों में मेरी वैल्यू डाउन हो गई है। नहीं नहीं आपको गलत रिपोर्ट मिली है, मैंने कोई ऐसी बातें नहीं की आपके बारे में। अच्छा है बच्चू तूने बता दिया, वरना तेरी हड्डियां सलामत नहीं होती। जी मुझे मालूम है। चलो यार। तुम तो बड़ा उछल रहे थे कि मैं फड्डेबाज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अब क्या हुआ है? बस वैसे ही खाली हवा थी जो नियाजी ग्रुप के सामने फुस हो गई। हेलो, क्या कहा था तुम लोगों ने? मेरी हड्डियां तोड़ोगे? वो मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, मगर कुछ ऐसी ही बात थी, बस 19-20 का फर्क था। ओए चींटे, तुम्हारे भी पर निकल आए। पर उन लोगों के निकलते हैं जो पहले से उड़ना नहीं चाहते। ये तो बोलता भी है। बोलता भी है और बोलती बंद करना भी जानता है। अच्छा तो ये बात है। हाँ यही बात है, अगर तुम गौर से देखो तो। मिस्टर बॉम्बास्टिक, किस बेस पे इतने कर रहे हो? अपनी बेस पे,
और अली आरिफ की बेस पे। ये अली आरिफ कौन है यार? वही जिसने नियाजी को सुबह धमकी दी थी। क्या मैंने फिर कुछ गलत कहा? वही मेरा साइड केक। तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, लेकिन अगर वो भी आ जाए ना तो तुम लोग एक महीने तक इस कॉलेज में नजर नहीं आओगे। क्या तेरा साइड केक? बोल ले बेटा बोल ले। अभी यहाँ अली आरिफ नहीं है ना, अगर वो होता ना तो तेरा मुंह खुलने से पहले तेरी जबान पकड़ के गुद्दी से खींच लेता। अच्छा बेटा, हमें चैलेंज। ओपन चैलेंज, 2:30 बजे छुट्टी के वक्त बाहर गेट पे ओपन चैलेंज है। अगर मैं ना आ सका किसी वजह से तो अली आरिफ तो आएगा ही तुम लोगों को ठीक करने, फिर पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। ठीक है डन, एग्जैक्ट 2:30 बजे मैं भी तो देखूं क्या चीज है तू और तेरा अली आरिफ। कर लो बेटा प्रैक्टिस, कर लो लड़ाई की, बल्कि पिटने की। छोड़ेंगे नहीं तुझे बच्चे, और उस अली आरिफ को भी। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? सही कहा, अब तो गैरत का मसला है। चलो वाह भाई फैसल, आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ भाई, नियाजी और इनको दोस्तों को लड़ाई का चैलेंज कर दिया है। फैसल यू आर अमेजिंग। इसलिए आरिफ और फैसल को हराना मस्ट है, वरना इस तरह तो हर कोई आके हमें चैलेंज करेगा यार। और अगर उन्होंने हमें हरा दिया तो वैसे एक आइडिया सो ये मैं नहीं होने दूंगा। इस फैसल के कॉन्फिडेंस से लग रहा है कि वो कोई बहुत बड़ा फाइटर है। और अली आरिफ भी तो बहुत बड़ा फाइटर है। ये अली आरिफ क्या चीज है? छोटा सा कॉलेज है, अभी ढूंढ के निकालते हैं। चलो चलो। कहाँ? यार फैसल, तुमने इतना बड़ा चैलेंज कबूल करने की हिम्मत कैसे की? यार लड़कियां अगर मुझे कोई काम करने को कहें ना तो मैं इससे भी ज्यादा हिम्मत कर सकता हूँ। लेकिन यार ये लड़कियों के लिए हर किस्म की हिम्मत करने की क्वालिटी तो मेरी है, तुम में कैसे आ गई? ये क्वालिटी हर लड़के में होती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तू 2:30 बजे उनसे लड़ेगा कैसे? 2:30 बजे क्योंकि मैं ट्रेन में बैठ के अपने घर जा रहा हूँ ऐसे। तो फिर इधर लड़ेगा कौन? अली आरिफ और कौन? यार उस बेचारे को तो इस किस्से का पता ही नहीं है। 2:30 बजे तक पता लग जाएगा। यार कितना घटिया इंसान है तू। वो तो है। अच्छा मैं अब निकलता हूँ, अब 2 महीने बाद तुझसे मुलाकात होगी। मुझे खत लिख के अली आरिफ के पिटाई का जिक्र जरूर करें, ठीक है? 2 महीने बाद मिलते हैं फिर। सही कहा है। तुम्हें अगर यकीन नहीं आता तो शर्त लगा लो। इसमें शर्त लगाने वाली क्या बात है? तो फिर मेरी बात तुम मान लो। चलो मान लिया कि तुम हाथ के लिए पढ़ सकते हो, तो लो मेरे हाथ की लिए पढ़ो। तुम ऐसे काफी हो। काफी तो नहीं, थोड़ी बहुत। काफी थोड़ी बहुत हो ना। अच्छा। चलो मान लिया, आगे बताओ। और तुम वैसे अपने इरादे की काफी पक्की हो, क्योंकि कोई भी इरादा कर लो तो उसको पूरा करती हो। और तुम ऐसे किसी को बहुत पसंद भी करती थी। और लेकिन किसी तुम्हारी मोहब्बत का बिल्कुल भी मैंने आइडिया नहीं था। नहीं उसको भी आइडिया था। क्या नाम था उसका? क्या मतलब है? मतलब ये कि उसका नाम जान के मैं उसके बारे में तुम्हें और बताऊंगा। उसका नाम था नवी। वैसे ना कि अच्छा ही हुआ कि आपके सितारे नहीं मिले, वरना काफी गड़बड़ हो जाती। उसकी रूह और आपकी रूह में काफी वैसे तादाद है, और आपने आपका दायचा उसका दायचा बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है लड़का, और तुम उसका ख्याल अपने दिल से बिल्कुल मैं निकाल दो। वो तो मैं कब से निकाल चुकी हूं। ये तुम्हारा जबरदस्ती का ख्याल है या फिर तुमने वाकई उसको अपने दिल में जगह दी हुई है? अच्छा, तुम्हारे ख्याल में ऐसा है? नहीं, तुम्हारी बात की लकीरें ये कह रही हैं। तो फिर मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए?
یہی کہ تم کیوں خیال اپنے دل سے نکال دو اور کسی اور کے بارے میں سوچنا شروع کر دو جو تمہیں پسند نہیں کرتا ہو. اس میں تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے سامنے تو بیٹھا ہے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب یہ کہ تمہارے سامنے کا ہی لڑکا ہے. ہاں وہ اسے کافی بہادر ہے. کیا مطلب تمہارے کالج میں کوئی بہادر بھائی کے لڑکے نہیں ہیں؟ بالکل ابھی تک تو نہیں دکھا. شاید تم نے میری بہادری کی قصے نہیں سنی ابھی تک. تم اور بہادر ناممکن کی بات ہے. تمہیں کوئی شک ہے میری بہادری پہ؟ نہیں نہیں ہاں تھوڑا سا. یار علی زندگی اسی چیز کا نام ہے. مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ فیصل علی عارف کو اتنی بری طرح پھنسا گیا اور وہ بھی صرف لڑکیوں کی واہ واہ سننے کے لیے. یار میں تو سمجھتا تھا کہ اس دنیا میں صرف میں ہی گھٹیا ہوں لیکن یہ ایک اور نکل آیا. ہاں یہ تو ہے بڑے گھٹیا تم لوگ بڑے گھٹیا. پتہ ہے میں کبھی لڑکیوں کے لیے کوئی کام نہ کروں. علی یار میرا بورڈ تو کلاس تک پہنچا دو پلیز. ہاں ہاں ضرور بورڈ تو کیا میں کیا کیا تمہارا کلاس تک پہنچا سکتا ہوں. چلو علی عارف کو جانتے ہو؟ علی عارف یہ کون ہے؟ سیدھی طرح بتاتا ہے یا 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 ہٹاؤ یار یہ بدبو. ابھی بتاتا ہوں. پہلے بتاؤ یار وہ نیچے آرکیٹیکچر کی بلڈنگ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اب تو ہٹاؤ یار. یار کس قدر بدبو تھی کس گندے آدمی کے تھے یہ. تمہارے ہی ہے ابرو. تو تم سے کس نے کہہ دیا کہ ہمارے کالج میں بالکل بھی بہادر لڑکے نہیں ہیں؟ اچھا بابا غلطی ہو گئی اب نہیں کہوں گی. That's like a good girl. تو تم ہو علی عارف؟ ہاں کیوں؟ تم تو وہی ہو جس سے میری چائے پہ لڑائی ہوئی تھی. اچھا تو ڈھائی بجے چوتے نے ہمیں چیلنج کیا ہے. یہ کیسا چیلنج؟ کون سے ڈھائی بجے؟ ایک تو لڑائی کا چیلنج اور پھر ڈر کے منع کر دیا. میں نے کوئی لڑائی بھائی کا چیلنج نہیں کیا. میں کیا پاگل ہوں کہ میں کوئی چیلنج کروں گا؟ ویری گڈ علی اگر تم نے ان کو چیلنج کیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. ویسے بھی ان جیسے لڑکوں کو نا سبق ضرور ملنا چاہیے. تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں کہ میرے لڑنے پر؟ ان سے لڑنے پر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی. ہاں ہاں وہ میں نے تمہیں چیلنج کیا ہے ڈھائی بجے گیٹ پر. تو بھی اپنے دوست کی طرح بڑا اچھلتا ہے. دوست؟ کون سا دوست؟ تمہارا تو فیصل. فیصل؟ کس لڑائی میں وہ بھی میرے ساتھ کیا؟ اسی نے تو ہمیں چیلنج کیا تھا تبھی تو ہم صبح سے ڈرے ڈرے پھر رہے ہیں. کیا میں نے سب کچھ غلط کیا؟ چلو بچے ڈھائی بجے گیٹ پہ ملاقات ہوگی. چلو اچھا بنا رہی ہوں یار. وہ فیصل خبیص خود تو اپنے گھر بھاگ گیا اور میرے نام پر وہ اس نے نیازی گروپ سے چیلنج موڑ لی صرف میں اس لیے تاکہ وہ لڑکیوں کو امپریس کر سکے. تو تم نے یہ چیلنج کیوں ایکسیپٹ کیا؟ تم نیازی کے پاس جاؤ اور اسے بولو کہ تمہیں اس کا یہ چیلنج منظور نہیں ہے. تم پاگل ہو نیازی سے لڑو گے؟ پاگل ہو بے وقوف. یار وہ دراصل جب وہ نیازی آیا تھا نا میرے پاس تو اس وقت میں غزل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ شو مارنے کے لیے مجھے یہ اس کا چیلنج قبول کرنا پڑا. ہاں شوئیں ماری ہیں تو پھر اپنا بھی شو دکھاؤ مار کھا کے ذرا. یار میں نے تو ایک فیصلہ کیا ہے. کیا؟ کہ اس لڑائی میں علی عارف کا ساتھ دوں گا. کیوں؟
کیونکہ میں تنگ آ گیا ہوں اس گمنامی کی زندگی سے یار. اگر اس برائی کے خلاف میں نے علی عارف کے بچے کا ساتھ دیا نا تو میری شہرت تو آسمان سے باتیں کرے گی. آئیڈیا برا نہیں ہے, وہ بھی تین اور ہم بھی تین, جس کا مطلب کہ تم دونوں میرا ساتھ دو گے اس میں. بالکل, اس کا مطلب یہ کہ پھر میں نہیں پٹوں گا, ہم سارے پٹیں گے. ڈھائی بج کے دو سیکنڈ گزر گئے, بہت باتیں کرنے لگ گیا ہے تو. پٹیں گے کیوں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں پیٹ رہے ہوں. وہ ٹھیک ہے, اب میں جا کے ساری کالج کی لڑکیوں میں یہ بات مشہور کرتا ہوں کہ طارق ابڑو نے نیازی گروپ کو چیلنج کر دیا ہے لڑائی کے لیے. سنا ہے طارق ابڑو نے نیازی گروپ کو چیلنج کیا. اچھا, ویسے ہی مجھے وہ لوگ پسند نہیں ہیں. نیازی گروپ سے تو مجھے شروع سے ہی نفرت تھی, اچھا ہوا کسی نے تو ان کے خلاف ایکشن لیا. واو, مگر یہ لوگ تو میرے ہیرو ہو گئے ہیں. کیا مطلب, طارق ابڑو اتنا بہادر؟ ہاں میرا خیال ہے. 1, 2, 19, 73, 205, 207. یار دیکھ یار, میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ قسم سے یہ اسے چیلنج جا کے واپس اب مانگ لیتے ہیں. اوئے پاگل ہو گیا ہے کیا, اب تو ہم نے مشہور بھی کر دیا ہے, کم از کم اب میں واپس نہیں جا سکتا. اور ویسے بھی ہمارے پاس لڑکیوں میں مشہور ہونے کا ایک ہی تو طریقہ ہے, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, دو چنڈے کھا لیں گے. کھا لیں گے. اوئے ٹھہر یار, ویسے میں بھی گمنامی کی زندگی سے سخت میں تنگ آ گیا. چل یار, ویسے تم لوگوں کے پاس صرف یہی مسئلے کا حل ہوگا لڑکیوں میں مشہور ہونے کا, میں تو پہلے سے ہی مشہور ہوں. تیری کیا بات ہے طارق ابڑو, 305, 307, 308. ابھی ڈھائی بجنے میں صرف کیا تھا کہ گھنٹہ بچ گیا. چل جلدی کر. اوئے یار تم لوگ چلو, میں تھوڑا باتھ روم سے ہو کر آتا ہوں. تھوڑا باتھ روم سے ہو کے آتا ہوں, تو تمہیں اینڈ ٹائم پہ باتھ روم یاد آ جاتا ہے اور بھاگ نہ جائیں. چل یار. دو چار میرے لیے بھی چھوڑ دے, ویسے بھی کافی عرصہ ہوا کسی کی ہڈیاں نہیں. اور اگر انہوں نے ہماری ہڈیاں توڑ دی تو اب میں نے کچھ غلط کہا. ویسے ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 10 منٹ رہ گئے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے, اور اگر ہم لیٹ ہو گئے تو وہ لوگ ویسے ہی جیت جائیں گے. چلو یار, پہلی بات صحیح کہہ رہے تھے. اوئے ارے یہ تو لاک ہے, ادھر دو بج کر 40 منٹ ہو چکے ہیں, جبکہ ٹائم تھا 2:30 بجے کا. کتنے بجے کا؟
भाई और न्याजी ग्रुप अभी तक नहीं पहुंच सका। वैसे इसका मतलब है कि वो हमसे डर के भाग गए हैं। तारिक अबड़ो के साथ उनका मुकाबला था बाबा, डर के भागना तो था ही उन्हें। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि न्याजी ग्रुप कहीं डर कर हमारी दहशत से छुप चुका है, लिहाजा आज का मुकाबला भला कौन जीता है, हम जीते हैं। कौन? थैंक यू। Yes! आज का मुकाबला हम जीत गए हैं, लेकिन अगर किसी में अभी भी कोई हिम्मत है बाबा तो हमारे साथ आके मुकाबला करे, हम तैयार हैं। लेकिन कोई नहीं आएगा क्योंकि सबको बाबा अपनी जाने प्यारी होती हैं। तो फिर चले। हाँ चलो चलो। खैर आज छोटी गाड़ी लेके आऊँ। खैर चले। अच्छा बात सुन, मैं एक बात सोच रहा था, बाकी डर गए? ये वैसे मेरा ख्याल है वो वैसे डर गए होंगे हमसे। नहीं यार, मेरे ख्याल में उनकी सबमिशन होगी। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में ना वो बाथरूम में बंद हो गए होंगे। बाथरूम में कैसे बंद हो सकते, पागल हमेशा गलत आइडिया लगाएगा बेवकूफ।